ફરિયાદ વાપરી છે કોર્પોરેટ એન્ડ અધર લોસ કોર્પોરેટ એન્ડ અધર કોર્પોરેટ એન્ડ અધર મેં આપકો એક્ટ પઢા રહી હું યા લો પઢા રહી હું મેમ ઓ મેમ લો એક્ટ તો ફ્રી નહીં હોતા હૈ ના લો એક્ટ નહીં હોતા હૈ ऐसे कैसे हमने तो बचपन में ही सीखा था लॉ मतलब ही एक्ट होता है और एक्ट ही तो लॉ होता है ना नहीं होता ऐसे तो अलग अलग कैसे टेल मी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी कंपनी कैसी होनी चाहिए बोलो टॉप क्लास सी ईश्वर ओ ईश्वर ownership alag management al p iswar perpetual success c iswar l iswar a iswar s for share capital s for separate कभी कभी ऐसा हो सकता है 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 और कभी कभी ऐसा हो सकता तुम बोलो ना कैसा हो सकता एक इंसान थे एक अंकल थे अब उनके जाने का टाइम आ गया अब वो आईसीयू में है अब वो बोले मुझे बहुत ऊपर जाना है मुझे पापा तुम तो चले जाओगे मुझे छोड़ के जाओगे पापा बोले बेटा पापा ये जो डिविडेंड में तुम्हारे नाम पे आता है अरे नालायक तुझे मेरे मरने के दर्द नहीं है जो डिविडेंड का बोले पापा इसलिए बोल रहा था इसका कुछ करा के जाओ थोड़ा एक ऑर्डर निकाल दो मेरे नाम पे कि मेरा डिविडेंड मतलब मेरे बेटे का डिविडेंड वो उसको एक ऑर्डर देंगे पापा लेके आज के बाद में मेरे सारे डिविडेंड का हकदार मैं नहीं ये होगा ये हवलदार Everyone has to say it together. Say, it's my time. It's possible. It's hard. But it's worth. I can do it. And I will do it. The second point says, meeting valid होने के लिए, the meeting shall be legally constituted. कितने लोग आए हैं कब आए हैं क्या प्रॉक्सी वैलिड होगा नहीं होगा प्रॉक्सी क्या सारी चीजें कर सकता है क्या सारी चीजें नहीं कर सकता है यही बताता है हमारा सेकंड सी एंड दैट सेज द मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड और एक लास्ट सी था दैट द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड ठीक से बुला लिया है ठीक से सब लोग आ भी गए हैं बट अब जो विधि है जो भी आप जिस तरह से मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हो दिस शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर ये तीनों भी सीज अगर एक साथ आप पूरे कर देते हो ये तीनों भी सीज अगर एक साथ आप पूरे कर देते हो तब माना जाएगा कि आपकी मीटिंग जो है इज अ वैलिड मीटिंग नहीं तो फिर मीटिंग वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी क्या बोलते सब लोग अंकिता मैम मालूम है ना पढ़ाएंगे जो नहीं पढ़ता है उसको भी पढ़ाएंगे नहीं मालूम है तो सुन मैम बोले तो लॉबी पढ़ जाऊंगा मैम चाहे तो लॉबी समझ जाऊंगा एक्ट रहेगा तो प्रोविजन पढ़ जाऊंगा अदर लॉ होगा तो स्टिक नोट चिपकाऊंगा तुम बनाएंगे तो टॉपर बन जाऊंगा ऐसा वैसा नहीं एयर बन जाऊंगा किसी के नाम रोशन करवाऊंगा पूरे इंडिया में लेट हो रहा है देखो हिमांशु वो जाके दो मिनट हो गए हिमांशु को चालू हो गया चालू हो गया
सर यहाँ पे तुमने स्टार्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया ही नहीं तुमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल। आई होप आप लोगों के पहले तीन लेक्चर्स एकदम धमाकेदार गए होंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का आखिरी सेशन जो होगा मेरा सेशन रिलेटिंग टू लॉ। पर आज कुछ नया पढ़ाना शुरू करने के पहले जो कुछ भी हमने पहले दो दिनों में किया था उसे मैं रिवाइज करना चाहती हूँ और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको कल के दिन पे बताया था लॉ का क्या मतलब होता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेरे साथ इस चीज को रिवाइज करें कि लॉ इस शब्द का क्या मतलब होता है। मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, लॉ पढ़ा रही हूँ या एक्ट पढ़ा रही हूँ? मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लॉ। तो जब मैं कहती हूँ कि मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या सारी चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ? सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे एक्ट को। तो जैसे कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ने वाले हैं। एक्ट के साथ साथ हम देखने वाले हैं उसी एक्ट के सारे रूल्स, और रूल्स के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं सारे के सारे केस लॉज। अब आप पूछोगे मैम एक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? एक्ट इस शब्द का मतलब होता है सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। साथ ही साथ कल के सेशन में हमने शुरुआत की थी विथ सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो कोई भी कानून का नाम जब आप लिखते हो, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था और दूसरे दिन भी इस चीज को रिवाइज किया था और आज मैं वापस से इस चीज को रिवाइज करना चाहती हूँ। कोई भी कानून का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, हर कोई वर्ड का पहला लेटर जो होता है दैट शुड बी इन कैपिटल। तो जैसे कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टी कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल और ए जो रहेगा दैट विल बी इन कैपिटल। ऐसे करके आप क्या करोगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा करके 1872 लिखोगे। 1872 क्या है? 1872 इज नथिंग बट इट इज द ईयर इन विच दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट। द एग्जैक्ट डेट ऑन विच दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट इज कौन सा है दिन? चलो सब लोग बताओ तो। वेरी गुड, 1 सितंबर 1872। कल हमने इस एक्ट की शुरुआत की थी विद सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ये जो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया है, जिसके वजह से एवरी एक्ट इज नाउ गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछता है व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका जवाब होगा दिस एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। साथ ही साथ कल हमने एक शब्द की डेफिनेशन देखी थी अंडर सेक्शन नंबर 2, और ये वर्ड जो था दैट वाज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो बेसिकली अग्रीमेंट का होना जरूरी है और साथ ही साथ एनफोर्सेबिलिटी भी होना जरूरी है। अग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबिलिटी मिलती है तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो आपकी अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाती है। और अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एक अग्रीमेंट। क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एक अग्रीमेंट। मैंने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कल आपके सामने रखे थे तीन एग्जाम्पल्स, वही तीन एग्जाम्पल्स हम रिवाइज करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आप याद कीजिए, नहीं आते हैं। अब ऐसे केस में मुझे बताओ क्या कैटरीना जी सलमान को स्यू कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सलमान और कैटरीना के बीच में जो हुआ है दैट इज ओनली
अ अग्रीमेंट, इट डिड नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना? ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, जिसके वजह से ये चीज जो है रह गई ओनली एज एन अग्रीमेंट. नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए, एनफोर्सिबिलिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं. दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने कल आपको दिया था, दैट वॉज रिलेटिंग टू विराट एंड अनुष्का. विराट ने अनुष्का को प्रॉमिस किया था कि आज आई विल गेट अ डायमंड रिंग फॉर यू. विराट ने ऑफर दिया, अनुष्का ने एक्सेप्ट भी कर लिया. ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई ना, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल तो गया, मतलब क्या अग्रीमेंट हो गई दोनों के बीच में. जी हाँ, दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो जरूर हुई है, बट फिर भी ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज ये जो अग्रीमेंट है दोनों के बीच में, इट इज ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर. डोमेस्टिक नेचर की अग्रीमेंट है. यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो है, लीगल ऑब्लिगेशन, वो दोनों के बीच में नहीं है. देयर इज नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, नो कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. और जैसे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, दोनों के बीच में बन गया एक अग्रीमेंट. ये जो अग्रीमेंट है वुड बी ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर. But because there is no enforceability, no enforceability, no contract, no enforceability, no contract. और क्योंकि दोनों के बीच में अब contract नहीं हुआ है, Anushka cannot sue Virat if he does not get the diamond ring for her in the evening. But तीसरा example जो मैंने आपको दिया था, that was relating to Aamir and Shahrukh. आमिर ने शाहरुख को ऑफर दिया कि हे शाहरुख, वुड यू लाइक टू परचेज माय कार फॉर रुपीज 50 लाख. आमिर ने ऑफर दिया, शाहरुख ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि हाँ, मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं फॉर 50 लाख ऑफ रुपीज. अब ऐसे केस में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या दोनों के बीच में बन गया एक अग्रीमेंट? यस. और इसी अग्रीमेंट में देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. क्योंकि दोनों के बीच में इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, उसी के वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. अगर एनफोर्सिबिलिटी है इस अग्रीमेंट को, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा. हाँ, तो ये तीन एग्जाम्पल्स कल मैंने आपको दिए थे, और मैंने आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट शब्द की डेफिनेशन के बारे में बताया था. कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. एनी अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ विल बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. और इसी पे कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था, तो आपके वाइडर टर्म कौन सा होगा? क्या वाइडर टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वाइडर टर्म अग्रीमेंट होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसी सवाल के जवाब दिए थे. कुछ स्टूडेंट्स के जवाब सही थे, कुछ स्टूडेंट्स के जवाब गलत थे. आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि कौन सा जवाब सही है और क्यों. तो पहली बात तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी होती है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर टर्म है और अग्रीमेंट नैरोअर टर्म है. ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था. और कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे, कुछ बच्चों का ये रिप्लाई आया कि मैम अग्रीमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है. अग्रीमेंट इसीलिए ब्रॉडर है क्योंकि अग्रीमेंट सोशल नेचर का भी हो सकता है, डोमेस्टिक नेचर का भी हो सकता है, कमर्शियल नेचर का भी हो सकता है. और यही कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट में अगर एनफोर्सिबिलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसके वजह से अग्रीमेंट ब्रॉडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है द नैरोअर टर्म. तो क्या है आखिरकार इस सवाल का जवाब? देखो, बचपन में हमने मैथ्स में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू सुपरसेट एंड सबसेट.
मतलब मम्मी जो है वो सुपर सेट है और उसी का बच्चा जो है वो उसका होता है सबसेट। इसी मैथमेटिक के इक्वेशन को अगर मैं लॉ में अप्लाई करना चाहूं फॉर दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू, अग्रीमेंट 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 अग्रीमेंट, मतलब ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, दिस वुड बी द अग्रीमेंट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अग्रीमेंट जो है ये पूरा रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल इंक्लूडिंग दिस सर्कल, ओके। अग्रीमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मतलब वो है द सुपर सेट, वो मम्मी है। अग्रीमेंट आपकी सोशल नेचर की भी हो सकती है, याद कीजिए कैटरीना और सलमान को। अग्रीमेंट आपकी डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है, याद कीजिए विराट और अनुष्का को। और अग्रीमेंट आपकी कमर्शियल नेचर की भी हो सकती है, याद कीजिए शाहरुख और आमिर को। बट अगर आपकी अग्रीमेंट, अगर आपकी अग्रीमेंट में है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तभी आपकी अग्रीमेंट बनती है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली समझ लीजिए ये मेरा येलो बॉक्स, ओके। मेरी अग्रीमेंट सोशल नेचर की भी हो सकती है, मेरी अग्रीमेंट जो है वो डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है, और मेरी अग्रीमेंट जो है वो कमर्शियल नेचर की भी हो सकती है। मतलब अगर मेरी अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, तभी मेरी अग्रीमेंट बन जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट, तभी मेरी अग्रीमेंट बन जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली देयर इज वन इन अनदर। अगर दूसरे सेंटेंस फ्रेमिंग में मुझे यही कॉन्सेप्ट को अगर समझाना हो, मैं कह सकती हूँ every contract has to have an agreement, but every agreement may not be a contract. वापस से, just for you all, सुनो मेरी बात, every contract has to have an agreement, but every agreement may not be a contract. एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए ये चीज लिख लेती हूँ, and this point is very very वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले सुन लो, बाद में मैं आपको एक मिनट का समय दूंगी आपके नोटबुक में लिखने के लिए। तो दो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी तक मेरे नोट्स नहीं पहुंचे, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेक्चर नंबर 1 जो है लाइव स्ट्रीमिंग का, प्लीज उस पर आप जाइए, उसी के डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है वहां पर मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, उसी लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 के मेरे नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए। सो इट विल बी अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज आप इन नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना और फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है वो जरूर देख के बाकी के लेक्चर्स अटेंड करना। तो देखिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज हैव एन अग्रीमेंट, बट एन अग्रीमेंट मे नॉट ऑलवेज टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट always 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 has an agreement but an agreement may not always turn into a contract. So it may turn into a contract if it is of a commercial nature, and it may not turn into a contract if it is of a domestic, a social, a religious or a charitable purpose. तब ऐसे केस में फिर आपका agreement agreement ही रह जाएगा और आपका contract नहीं बनेगा। So मेरे सवाल का जवाब ये होगा कि broader term जो है, broader term जो है वो होगा अग्रीमेंट, और नैरोअर टर्म उसका बच्चा जो है वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं चाहती हूं ये सारी चीजें आप लिख लो, एक मिनट का समय शुरू होता है अब।
मैं चाहती हूँ सब लोग एकदम शिद्दत से इस चीज को लिखे ये समझते हुए कि मैं आपके आंखों के सामने ही हूँ। So I'm assuming you are done with the writing part. वापस से देखे हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता ही है, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता ही है, बट हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं होता है। सो ब्रॉड टर्म अग्रीमेंट हुआ ना, क्योंकि अग्रीमेंट सोशल नेचर की भी हो सकती है, डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है, कमर्शियल नेचर की भी हो सकती है, बट वही अग्रीमेंट जिसमें लीगल इंटेंशन होता है दैट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से नैरो टर्म जो है दैट विल बी द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहती हूं आप लोग सब टेक्स्ट बुक्स पे आ जाओ और आपके नोट्स पे आ जाओ। कोई भी नया कॉन्सेप्ट शुरू करने के पहले मैं सारा जो कुछ भी मैंने पहले दो दिनों में किया उसे अपने टेक्स्ट बुक में से रीड करना चाहती हूँ, उसी के बाद हम लोग जाएंगे टू अ फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट। And everyone has to read with me. Yaad rakhna, this reading is for y'all. It is not for me. Okay? So, dekho, sabse pehla sentence jo main read karna chahti hu, wo bullet number one ka blue point hai. आप लोग मेरे साथ साथ रीड करने वाले हो, जहां कहीं पे भी आप बैठे हो, एट एनी प्लेस आई डू नॉट माइंड, यू हैव टू, चाहे आप दिल्ली से हो, इंदौर से हो, या गुजरात से हो, या महाराष्ट्र से हो, या साउथ इंडिया से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां से आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, मेरा एक ही इंटेंशन है दैट इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड मेक यू ऑल लर्न दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास इटसेल्फ। सो इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, जस्ट फॉलो द स्मॉल इंस्ट्रक्शंस दैट आई टेल यू एवरी डे इन क्लास, रीड दीज थिंग्स विद मी, assuming I am with you, come on, चलो contract यहां से देखो contract, सब लोग आप लोगों को मिल गया, मैं हूं पेज नंबर वन पे, फर्स्ट बुलेट का जो पॉइंट मैंने आपको ब्लू में दिया है ना उसी को आपको रीड करना है। चलो, contract is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction। तो देखो जब कभी भी contract होता है दो parties के बीच में क्या होता है, हर कोई पार्टी के कुछ राइट्स होती है और कुछ ड्यूटीज होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, पहली बात तो मुझे बता, 1, 2, 3 मैंने आपको कल तीन एग्जांपल्स दिए थे, कटरीना, विराट और आमिर। इन तीनों एग्जांपल्स में से सिर्फ तीसरा वाला एग्जांपल जो था आमिर और शाहरुख का, वहां पे बना था दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको माइंड में रखना है आमिर और शाहरुख वाला एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ साथ दोनों के बीच में जो था दैट वाज इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जिसके वजह से दोनों पार्टीज के बीच में बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसके वजह से दोनों पार्टीज के राइट्स भी अराइज हुए और ड्यूटीज भी अराइज हुए। अब आप बोलोगे मैम कौन से राइट्स कौन से ड्यूटीज हमें समझ में नहीं आया, मैम प्लीज आप वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखो अज्यूम करते हैं यहाँ पे आमिर, तो आमिर एंड शाहरुख, ठीक है, आमिर क्या देने वाले हैं अपनी कार और उसी के बदले में शाहरुख क्या देने वाले हैं 50 लाख ऑफ रुपीज। अब अगर हम देखते हैं ये दोनों पार्टीज को, ये दोनों पार्टीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दोनों भी पार्टीज के कुछ राइट्स अराइज होते हैं और कुछ ड्यूटीज अराइज होते हैं। तो राइट्स कौन से और ड्यूटीज कौन से, सबसे पहली बात तो अगर मैं राइट की बात करूं तो आमिर की राइट, आमिर
आमिर की राइट क्या है, आमिर को क्या मिलने वाला है, आमिर को क्या मिलने वाला है, आमिर को क्या मिलने वाला है, आमिर का राइट है टू रिसीव 50 लाख ऑफ रुपीस। और उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी ड्यूटी है टू गिव हिज कार टू शाहरुख। सिमिलरली अगर आप शाहरुख के नजरिए से इस एग्जांपल को देखते हैं तो शाहरुख जी का राइट है, क्या राइट है शाहरुख जी का, टू रिसीव द कार। यस, वेरी गुड। और साथ ही साथ उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी ड्यूटी है टू गिव 50 लाख रुपीस। तो देखो जब कभी भी कोई भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब कभी भी कोई भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक पार्टी के राइट्स और ड्यूटीज और दूसरे पार्टी के भी राइट्स और ड्यूटीज अराइज होते हैं। बेसिकली अगर नटशेल में मुझे कहना हो, एक के राइट दूसरे के ड्यूटीज होते हैं और दूसरे के ड्यूटीज पहले के राइट्स बन जाते हैं, जिसके वजह से हम कहते हैं जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 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 राइट्स और ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो अराइज होते हैं। अज्यूमिंग, चलो अज्यूमिंग आमिर ने अपनी कार तो दे दी बट शाहरुख ने पैसे नहीं दिए, आमिर ने अपनी कार तो दे दी बट शाहरुख ने पैसे नहीं दिए, तो अब मुझे बताओ कैन आमिर सू शाहरुख। इसका जवाब हो, सू करना मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल करना, कैन आमिर फाइल अ केस अगेंस्ट शाहरुख, द आंसर वुड बी यस। क्यों यस? क्योंकि आमिर ने अपनी ड्यूटी निभाई है बट उनको राइट्स नहीं मिले, तो जिसके वजह से ही कैन सू शाहरुख एंड रिकवर दिस 50 लाख रुपीज दैट शाहरुख हैड प्रॉमिस्ड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो ये सेंटेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। याद कीजिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही कहती है एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नो एनफोर्सेबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। चलो तो देखो वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 2 पे हूं मैं, वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो एन अग्रीमेंट, प्लीज हाईलाइट दिस डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज शब्द की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो दो चीजें आती है इस डेफिनेशन में, दो चीजें आती है इस डेफिनेशन में, वन अग्रीमेंट और दूसरी है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अगर अग्रीमेंट है बट एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो आपका अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों भी चीजें, देखो यहाँ पे मैंने एंड 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 इस चीज को लिखा हुआ है, मतलब दोनों भी चीजों का होना जरूरी है, दोनों भी चीजों का होना जरूरी है। इट इज अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इस सेंटेंस पे आ जाओ, ये देखो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो वो तो हमने कल ही देख लिया था अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल मेक एन अग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स duly enforceable by law, then only this agreement will be considered as a contract. मैं चाहती हूं आप लोग सब पेज नंबर 3 पे आ जाओ टू दिस पर्टिकुलर डिफ्रेंसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, इन दोनों शब्दों के डिफ्रेंसिएशन पे आप लोग आ जाओ, विच इज ऑन पेज नंबर 3
ऑफ माई टेक्स्ट बुक्स. पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर इन सी ए फाउंडेशन इज अ कम्प्लीट सब्जेक्टिव पेपर. तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉ में नहीं आने वाले जहाँ पे एक सवाल है और चार गोले है. ये सीपीटी लोगों का स्टूडेंट्स का सुहाना सफर था, फाउंडेशन स्टूडेंट्स का सुहाना सफर बिल्कुल भी नहीं है. आप लोगों का अकाउंट्स एज वेल एज लॉ इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब थियोरेटिकल इन नेचर. हर कोई चीज को आपको लिखना होगा और इसी थियोरेटिकल पेपर में, इसी सब्जेक्टिव पेपर में इंस्टीट्यूट कम से कम एक डिफरेंशिएशन का सवाल तो पूछती है. दिस डिफरेंशिएशन कुछ रेंज कुड रेंज फ्रॉम 4 to 6 मार्क्स. हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने डिफरेंशिएशन 4 मार्क के लिए पूछा, तो कुछ एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएशन 6 मार्क तक भी पूछती है. So you have to be really very thorough with all the differentiation. ये हमारे syllabus का पहला differentiation है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. और देखो, of course, next week में, ये हफ्ता तो नहीं, because अभी अभी आप इस subject के लिए काफी नए हो, तो I don't want to tell you everything right now only. एक हफ्ता आपको लगेगा सब्जेक्ट के लिए सेटल होते होते, बट नेक्स्ट वीक हाँ मैं जरूर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछता है. तो उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सवाल कैसे पूछे जाते हैं. जैसे कि हल्की सी झलक अगर आपको देनी हो, इंस्टीट्यूट कुछ सवाल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछती है, कुछ सवाल इंस्टीट्यूट के होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी. एक सिचुएशन इंस्टीट्यूट देती है आपको और फिर बोलती है कि आप एनालाइज करके बताइए कि इसमें कौन सही कौन गलत, केस फाइल किया जा सकता है या अगर डैमेजेस मांगे जा सकते हैं, अगर मांगे जा सकते तो कितने मांगे जा सकते हैं. ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बेसिकली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है हमारे 60 मार्क्स के लॉ के पेपर में. तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है और कैसे सवालों के आपको जवाब देने कैसे हैं. How are you supposed to write down the answers? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, कानून की दुनिया ये अपनी दुनिया है, ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया जो है ये खुद बसाता है. So you have to be very careful in how you are presenting your answers. Conceptual clarity तो एक है, conceptual clarity तो एक चीज है. Memorizing और presentation part plays an equal role in this theoretical paper of law, right? From the level of foundation. तो कैसे answers लिखने वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अभी नहीं, in the coming week. Currently मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि suppose institute ने आपको पूछा है differentiation, तो आपको differentiation का जवाब कैसे देना होगा. तो पहली बात तो let me tell you, कोई भी answer का जवाब आपको paragraph format में नहीं देना है. So this rule also applies to questions of differentiation. अगर आपने आपको इंस्टीट्यूट पूछती है प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, डू नॉट गिव योर आंसर इन पैराग्राफ फॉर्मेट कि पहले अग्रीमेंट के 4 पॉइंट्स लिख दिए फिर कॉन्ट्रैक्ट के 4 पॉइंट्स लिख दिए. दिस इज नॉट द वे एक्सपेक्टेड टू राइट अ डिफरेंशिएशन. अगर आप मेरी टेक्स्ट बुक देख रहे होगे, दिस इज द राइट मेथड टू प्रेजेंट अ डिफरेंशिएशन. कोई भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट करते वक्त आपको आपका डिफरेंशिएशन 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, बेसिस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. तो जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन इज बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का डिफरेंशिएशन है. तो सपोज अगर डिफरेंशिएशन 4 मार्क का है, आपको 4 पॉइंट्स लिखने होंगे. 5 मार्क का है, आप 5 पॉइंट्स लिखोगे. 6 मार्क का है, आप लोग लिखोगे 6 पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर आंसर. तो देखो, सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स, बेसिस, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो कौन सा टर्म ब्रॉडर है, बोलो तो मुझे वापस से, कौन सा टर्म ब्रॉडर है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. यस, अग्रीमेंट ब्रॉडर और नैरो टर्म जो है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो पहला डिफरेंशिएशन तो ये होगा, अच्छा पहला डिफरेंशिएशन तो होगा रिलेटिंग टू द डेफिनेशन. तो आप कहोगे अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो देखो आए टेक्स्ट बुक पे, सबसे पहले आप कहोगे अग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. स्कोप,
तो वाइडर टर्म कौन सा है? अग्रीमेंट का. नैरोअर टर्म कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट का. अब मुझे बताओ, अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट में लीगल इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर लीगल इंटेंशन हुआ तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर लीगल इंटेंशन नहीं है, अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाएगा. जैसे कि सोशल और डोमेस्टिक नेचर का देखो, इट मे नॉट, मे इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट तो कंपल्सरली नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. और एक लास्ट डिफ्रेंसिएशन है जो कहता है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट यस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. समझ में आई या नहीं आई बात? वेरी गुड. तो देखो इसी तरह से लिखते हैं कोई भी डिफरेंसिएशन. तो अगर डिफरेंसिएशन इंस्टीट्यूट पूछती है, रिमेंबर यू हैव टू डिवाइड योर आंसर इनटू थ्री पार्ट्स. अगर आपको बेसिस नहीं लिखना है तो भी इट इज फाइन, डज नॉट रियली मैटर. बट हाँ, अगर आपने बेसिस लिखा, इट विल ऑलवेज गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. बट ना भी लिखा तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है. बट अगर लिख दिया तो क्या बात है. नहीं लिखना हो रहा है तो फिर आप दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और 1, 2, 3, 4 टैब्यूलर फॉर्मेट में लिखना होगा आपको डिफरेंसिएशन. यस सर नो गाइस? यस. तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार वापस से सिर्फ दो मिनटों में फटाफट रिवाइज कर देंगे जो भी हमने अभी तक किया है, और हम लोग जाएंगे टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटिंग टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहली बात तो आपको मुझे बताना है लॉ, लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है. लॉ इज इक्वल टू, चलो आपको बोलना है मेरे साथ, ओके? अगर आप बोलोगे तो आपको याद रहेगा. चलो बोलो मेरे साथ, लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. एक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. तो कौन सा टर्म ब्रॉड है? लॉ, क्योंकि लॉ में एक्ट भी आता है, केस लॉज भी आते हैं और रूल्स भी आते हैं. जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यही एक्ट कब एनफोर्स हुई थी? इट वॉज एनफोर्स फ्रॉम द 1st of September 1872. और यही जो एक्ट है, इसका सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. तो ये कानून किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करता है? दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया. कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन बताओ तो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बी रिगार्डेड एज एन अग्रीमेंट. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो द डिफरेंसिएशन बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट? पहली बात तो डेफिनेशन, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. यही अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल है तो वो बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत अब हम कह सकते हैं अग्रीमेंट वाइडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट विल बी द नैरोअर टर्म. लीगल ऑब्लिगेशन अग्रीमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होना ही होना है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है. एंड ऑल अग्रीमेंट्स मे नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू हैव एन अग्रीमेंट. हाँ या ना? तो हम लोग शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटिंग टू द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है, जो आपकी बुक्स का पेज नंबर 3 है, वो बताता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है. कौन सी है ये सारी चीजें जिनका होना जरूरी है सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहली चीज तो देखिए, सबसे पहली चीज जो नेसेसरी है इन ऑर्डर टू टर्न द कॉन्ट्रैक्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप देखोगे दो पार्ट्स में मैंने कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया है, सेक्शन नंबर 10
एंड जनरल थिंग्स विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10. खैर सेक्शन नंबर 10 तो हम लोग कल या परसों शुरू करेंगे, बट आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10 बट विच आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कौन सी है ये सारी चीजें. सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ विद द फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगते हैं टू पार्टीज. वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन माइंड कि मैंने अपने माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और अगर मैंने वो चीज प्रॉमिस नहीं की आई विल सू माई सेल्फ. ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आपको लगते हैं कम से कम दो पार्टीज. ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है बट कम से कम लगती है आपको दो पार्टीज. तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में है, तीन लोगों के बीच में है, 10 लोगों के बीच में है, 50 लोगों के बीच में, इनफैक्ट 100 लोगों के बीच में भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. बट वॉट इज रिक्वायर्ड इज दैट इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यू रिक्वायर एटलीस्ट टू पार्टीज. एक जो ऑफर दे रही है और दूसरा जिसको ऑफर दिया जा रहा है. तो आप खुद मुझे बताओ ये शाहरुख और आमिर के केस में कौन दे रहा है ऑफर. आमिर. तो ये हमारी फर्स्ट पार्टी है और ऑफर किसे दिया जा रहा है शाहरुख को. मतलब ये है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड पार्टी. सो बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लगते हैं कम से कम दो पार्टीज. एक जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसको ऑफर दिया जा रहा है. एक जिसको हम ऑफर दे रहे हैं और दूसरा जो ऑफर दे रहा है. ऐसे करके होते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टीज. बट देखो ये जो दो पार्टीज हैं ये दो पार्टीज नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ अ नेचुरल एज वेल एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या नेचुरल पर्सन क्या आर्टिफिशियल पर्सन, आप क्या बोल रहे हो मैम. डोंट वरी, मैं आपके लिए यहीं पर आई हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए. पहली बात तो नेचुरल पर्सन मतलब एनी पर्सन हु हैज गॉट अ नेचुरल बर्थ. जैसे कि यू एंड मी वी आर व्हाट वी आर नेचुरल पर्सन. सो वो आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन वो लोग होते हैं who have been created by law. तो देखो कानून की आंखों से देखिए क्या आपको ये पर्सन नजर आ रहा है. जी हाँ आपको ये पर्सन नजर आ रहा है. देखो गौर फरमाइए मेरे शब्दों पे, मैंने फिक्टिशियस ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. जो शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है दैट इज आर्टिफिशियल. आप बोलोगे मैम ओ मैम आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस ये दोनों शब्द तो सेम ही है ना. बिल्कुल भी नहीं, किसी को बोलना मत. आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस जो है वो दो अलग अलग शब्द है. जब मैं कहती हूँ फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, मतलब अ कैरेक्टर विच ओनली एग्जिस्ट इन योर इमेजिनेशन. जैसे कि अगर मैं कहूँ बैटमैन और से स्पाइडरमैन और डीसी कैरेक्टर लेते हैं शक्तिमान, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस इन नेचर. ये कैसे है, फिक्टिशियस है इन नेचर. बट अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करती हूँ, आर्टिफिशियल इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज नॉट नेचुरल. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फ्लावर है और आर्टिफिशियल फ्लावर है. नेचुरल फ्लावर है और आर्टिफिशियल फ्लावर है. दोनों भी फ्लावर्स एग्जिस्टेंस में, दोनों भी फ्लावर्स एग्जिस्टेंस में, फर्क सिर्फ इतना है इस नेचुरल फ्लावर का बर्थ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हुआ है और आर्टिफिशियल फ्लावर जो है हैज बीन क्रिएटेड बाय मैन. आर्टिफिशियल जरूर है
बट वो फिक्टिशियस नहीं है, वो इमेजिनरी नहीं है. इसको मैं देख सकती हूँ, इसको मैं महसूस कर सकती हूँ. फिक्टिशियस तो सिर्फ इमेजिनरी होता है, वो काल्पनिक होता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वैसे ही अ पर्सन मे बी फिक्टिशियस, मे बी आर्टिफिशियल इन नेचर. जैसे कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जब मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाऊंगी ना फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, मैं आपको बताने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फीचर ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. तो कानून के आंखों से देखोगे तो आपको ये पर्सन नजर आएगा, ये फिक्टिशियस नहीं है, सिर्फ नेचुरल नहीं है वो. उसका जन्म, उसका बर्थ जो है वो एक प्रोसेस के द्वारा हुआ था, जो प्रोसेस हमने बनाई है. तो इसीलिए उसका बर्थ आर्टिफिशियल है और इसीलिए इस पर्सन को कहते हैं एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि इंफोसिस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड. तो देखो 2008 में अंबानी जी ने, अनिल अंबानी जी ने रिलायंस पावर लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया था. तो हाँ, है ये एक कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड, है ये एक कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड, है ये एक कंपनी इंफोसिस लिमिटेड, हाँ है ना, सत्यम लिमिटेड भी तो एक कंपनी है. तो ये जो कंपनीज है, दीज आर नथिंग बट दीज आर आर्टिफिशियल. तो देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर करना है, आपको कम से कम लगेंगे, कम से कम लगेंगे, कम से कम लगते हैं टू पार्टीज. कितने पार्टीज लगते हैं? टू पार्टीज. यही टू पार्टीज, वन कुड बी बोथ नेचुरल पर्सन. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल को मैं लेना चाहती हूं बिकॉज आपको आसानी होगी चीजों को समझने के लिए. ये आमिर है और ये शाहरुख है. बोथ दीज टू पर्सन्स आर नेचुरल पर्सन्स. जहां पे इन्होंने गाड़ी देने का वादा किया है और इन्होंने 50 लाख रुपए देने का वादा किया है. तो यहां पे अब आप देखोगे ये दो पार्टीज जो है, दोनों भी पार्टीज के बीच में, नेचुरल पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ है. मतलब दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम लगते हैं दो पार्टीज, और ये दोनों भी पार्टीज हो सकते हैं नेचुरल पर्सन्स. बट नाउ पॉइंट नंबर टू, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी एंटर्ड बाय अ नेचुरल पर्सन एज वेल एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो से फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो और आपने क्या किया है, दिस इज अ कंपनी, से इसी कंपनी का नाम है इंफोसिस. नारायण मूर्ति जी इज द प्रमोटर एंड फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इंफोसिस, हाँ है ना. तो आपने क्या किया है, इसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, से आपने दिए से अज्यूमिंग कंपनी के शेयर्स पर प्राइस ओके इज रुपीज 600, आपने 600 रुपए दिए और उसी के बदले में आपको मिला वन शेयर ऑफ इंफोसिस लिमिटेड. अब देखो ये जो एग्जांपल नंबर टू है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन अ नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पे आप नेचुरल पर्सन हो और कंपनी जो है इज द आर्टिफिशियल पर्सन. और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मतलब कैसा, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्संस. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज है. पहली जो हमारी कंपनी है उसका नाम है Reliance Industries Limited, और इसी Reliance Industries Limited ने कैश दिया है और बदले में मिले हैं Reliance Retail Limited के शेयर. सो बेसिकली
एक आर्टिफिशियल पर्सन ने दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है बाय सब्सक्राइबिंग इट्स शेयर्स. तो अगर आप रियलिटी में भी चेक करोगे यू विल रियलाइज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज मोर देन 90 सब्सिडियरी कंपनीज. एक पापा और मोर देन 90 बच्चे ये होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और इतने सारे बच्चे मतलब इतने सारे कंपनीज में मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो देखो क्या किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड के मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस रिटेल लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. पते की बात यह है मोर देन वन ऑफ वगैरह छोड़ दो. एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे. मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बाय एन आर्टिफिशियल पर्सन विथ अनदर आर्टिफिशियल पर्सन. तो चाहे पर्सन नेचुरल है आर्टिफिशियल है फर्क नहीं पड़ता है. अ कॉन्ट्रैक्ट in order to be valid at least has to have two parties. These two parties can be both natural, both artificial or a combination of a natural as well as an artificial person. पहले दिन मैंने आपको कहा था स्टिक नोट्स लाने के लिए. मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है टू पार्टीज का एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 आप उसको वो स्टिक नोट्स पे लिख दो और वहीं पे ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 यहीं पे आपको आपकी स्टिक नोट को चिपकाना होगा. ठीक है ताकि जब कल जाके आप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे ये तीनों भी एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे स्टिक नोट्स पे लिखे गए हैं वो आपको आपके आंखों के सामने नजर आएंगे. तो मैं चाहती हूँ आप आपकी स्टिक नोट निकालो. अगर आपके पास स्टिक नोट्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑल द शॉप्स आर क्लोज डोंट वरी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दीज एग्जांपल्स इन योर नोटबुक. बट देखो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप आपके नोटबुक में लिख रहे हो आप क्या कर रहे हो क्रॉस रेफरेंस देना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टिक नोट्स नहीं है आपने ये एग्जांपल्स नोटबुक में लिखे तो यहाँ पर टू पार्टीज का हेडिंग तो आपने दिया है और आप लिख देना पेज नंबर 4 पेज नंबर 4 वॉल्यूम नंबर 1 एंड से ये नोटबुक का पेज नंबर 5 है तो आपको टेक्स्ट बुक में भी उसका क्रॉस रेफरेंस देना होगा नोटबुक का पेज नंबर 5. इसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस. देखो क्रॉस रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपकी नोटबुक फुल होगी विद ऑल द एग्जांपल्स और आपको कोरिलेट करना शायद डिफिकल्ट हो जाएगा एंड मोमेंट पे कि कौन सा एग्जांपल किसका है. तो उस वजह से अगर हमारा काम पहले दिन से ये सिस्टमैटिक होगा बाद में हमें प्रॉब्लम्स और दिक्कतें नहीं आएगी. तो मैं चाहती हूँ आप ये एग्जांपल लिखना शुरू करो. अब मैं आपको 2 मिनटों का समय देती हूँ उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे. एवरीवन सिंसियरली हैज टू राइट डाउन ऑल दीज एग्जांपल्स. ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
राइट डाउन फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो स्लो स्लो. देखो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं किराना की दुकान में चली गई, मैंने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया. 10 रुपए देना, चिप्स का पैकेट लेना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स एंड दीज टू पर्सन्स आर बोथ नेचुरल पर्सन्स. सो इन्यूमरेबल एग्जांपल्स होते हैं. मैंने आपको कल भी कहा था डे टू डे लाइफ में जो हम लोग कितने तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं, क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए देना, घड़ी खराब हो गई है रिपेयरिंग के लिए देना, फिर उसके बाद मोबाइल का रिचार्ज मारना, ऑल दीज आर नथिंग, पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरना, ऑल दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. शॉपिंग करना, पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करना, ओके. So I'm assuming you all are done with this writing part. Let me go on to the textbook and read this particular point for you all. Come on. Everyone has to read with me. Okay. So one person cannot contract enter with himself. A contract involves at least two parties. At least two parties. क्या कोई contract में 5 लोग हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ना. आप याद कीजिए partnership. Suppose मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया एक partnership firm, यहाँ पे तो 5 लोगों ने एक साथ contract enter किए. तो requirement maximum के ऊपर नहीं है, minimum के ऊपर है. Minimum आपको लगेगी 2 लोग जिनके साथ आप contract enter कर सकते हो. Maximum के ऊपर there is no restriction. One party making the offer and the other party accepting that offer. आमिर जिन्होंने offer दिया, शाहरुख जिन्होंने उस चीज के लिए acceptance दे दिया. A contract may be made by a natural person or by other persons having a legal existence. Legal existence is nothing but these are artificial persons. जैसे कि मैंने आपको best example दिया है of an artificial person and that is a company form of organization. It is necessary to remember that the identity of the parties should be ascertainable. Yes or no, guys? Yes. आज के लिए मुझे लगता है content wise मैं इतना ही पढ़ाना चाहती हूँ. कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है. हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिंग टू कंसेंट. फ्री कंसेंट कब होता है और फ्री कंसेंट कब नहीं होता है, और बेस्ट है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आपको बहुत मजा आएगा, जितना मजा मुझे आया था उस टॉपिक को प्रिपेयर करते वक्त. आई एम 100% श्योर आपको भी उतना ही मजा आने वाला है उस टॉपिक को मुझसे समझते वक्त, है ना. पर उसके पहले हमेशा की तरह कल जैसे मैंने आपको बताया था, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ इस सवाल का जवाब आप सोचे और उसका जवाब जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे. तो क्या है सवाल? फॉर एग्जाम्पल मेरा बचपन का दोस्त, कैसे मेरा मुंबई में एक बंगलो है और इसी मुंबई के बंगलो में मेरे जो नेबर है दैट इज वरुण धवन. बचपन का मेरा दोस्त, मतलब बचपन बीता ही था उसके साथ. और अब जैसे कि क्या हुआ, मेरे ब्रदर की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे रियल ब्रदर की शादी है. तो मैं सोचती हूँ क्यों ना वरुण धवन को इस पर्टिकुलर शादी में इनवाइट करूं मैं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वरुण जी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वरुण जी क्या आप मेरे भाई की शादी के लिए आओगे.
तो वो तो खुश हो जाते, बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि अंकिता मैम मुझे इनवाइट कर रही है अपने भाई की शादी में, वाह क्या बात है। तो वो कहता है ऑफकोर्स मैं तो तुम्हारे भाई की शादी में जरूर आना चाहता हूँ, मैंने ऑफर दिया मेरे भाई की शादी के लिए आने के लिए और उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया। अब क्योंकि वरुण धवन मेरे भाई की शादी में आने वाले थे, मैंने उनके लिए किए थे बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स, बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स, आखिर स्पेशल गेस्ट जो ठहरे वो, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेक इट टू पुणे, उनके कुछ हेक्टिक वर्क शेड्यूल के वजह से वो पुणे नहीं आ पाए और मेरी सारी स्पेशल अरेंजमेंट्स जो मैंने उनके लिए की थी वो चूर चूर हो गई और सारे पैसे मेरे बर्बाद हो गए। अब मैं बहुत गुस्से में आ गई, मैंने कहा ऐसे कैसे वो मेरे भाई की शादी में नहीं आए, मैंने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने एक्सेप्टेंस भी दे दिया, मैंने ऑफर दी एक्सेप्टेंस दी, फिर भी वो नहीं आए, क्या मैं वरुण को स्वीकार कर सकती हूँ? तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मैं वरुण को स्वीकार कर सकती हूँ? अगर हाँ, एक सेंटेंस में आपको देना है क्यों, और अगर ना, एक सेंटेंस में आपको जवाब देना है क्यों मैं स्यू नहीं कर सकती। तो मेरा ये सवाल वापस से सुन लो, मैंने वरुण धवन को इनवाइट किया था अपने भाई के शादी के लिए, मैंने ऑफर दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया था, बट फिर भी वो शादी में टर्न इन नहीं हुए और जो भी स्पेशल अरेंजमेंट्स मैंने की थी वो सब वेस्ट हो गई और मैं गुस्से में आ गई और मैंने उनको स्यू करने का सोचा है, क्या मैं उनको स्यू कर सकती हूँ? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना क्यों? आपको इस सवाल का जवाब देना है नीचे इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो। हाँ, कल के शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, कल सुबह 10 बजे सबसे पहले होगा आपका मैथ्स का लेक्चर, तो आपको हाजिर रहना है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वप्निल पटनी @10 AM और बाकी के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, मैथ्स के बाद। मेरा जहां तक सवाल है लॉ का लेक्चर वुड बी एट द सेम टाइम, दैट इज 2 o'clock। सी यू ऑल टुमारो, टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे होम स्टे सेफ।